नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस दोस्तों आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल तो स्टेट बार काउंसिल का क्या फंक्शन है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे और सेक्शन सिक्स इसको डील करता है तो हम लोग एडवोकेट्स एक्ट नाइनटीन का एक लेक्चर सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें ये लेक्चर नंबर सिक्स है जिसमें हम लोग सेक्शन सिक्स शिक्ष के बारे में बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल के बारे में बात करेंगे तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों यहां आपको आपकी स्क्रीन पर फंक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल दिख रहा होगा जिसका पहला पॉइंट कहता है एडमिट पर्सन एज एडवोकेट ऑन इट्स रोल तो स्टेट बार काउंसिल किसी भी पर्सन को जिसने लीगल प्रैक्टिस के लिए पढ़ाई कर रखी है उसको आ, और रजिस्टर करना चाहता है तो उसको रजिस्टर करेगा इनरोल करेगा ये स्टेट बार काउंसिल का पहला फंक्शन है दूसरे फंक्शन के बारे में हम बात करें तो दूसरा फंक्शन कहता है प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रोल तो जितने भी एडवोकेट वहाँ पे इनरोल्ड होंगे उन सब का एक लिस्ट तैयार करना उसको मेंटेन करना ये भी स्टेट बार काउंसिल का फंक्शन है तीसरा पॉइंट ये कहता है इंटरटेन एंड डिटरमाइन केसेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट द एडवोकेट अब अगर मान लीजिए कि कोई भी इस तरह का केस आता है जहां मिसकंडक्ट एडवोकेट्स के रूप में कोई केस कोई करता है कोई पर्सन आता है और कहता है कि नहीं हुआ है तो उसको इंटरटेन करना उसको डिटरमाइन करना ये भी फंक्शन स्टेट बार काउंसिल का है अब आप कहेंगे कि एडवोकेट के मिसकंडक्ट क्या हो सकते हैं अब जैसे मान लीजिए कि आ, कोई क्लाइंट है उसने एडवोकेट हायर कर रखा है लेकिन एडवोकेट हायर होने के बाद अपोजिट पार्टी से मिल जाता है और उसके केस में जो है पैरवी ठीक ढंग से नहीं करता है तो ये भी एक मिसकंडक्ट हो सकता है उसके लिए uh, कोई मारपीट कर लेता है अगर वो uh, जो है कोर्ट uh, परिसर के अंदर ये भी मिसकंडक्ट है तो ऐसी शिकायत आने पर स्टेट बार काउंसिल उसको इंटरटेन करता है ऐसे केसेस को और उसको डिटरमाइन करता है चौथा पॉइंट कहता है सेफ द राइट्स प्रिवलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट तो जितने भी राइट्स हैं एडवोकेट के क्या क्या राइट्स हैं क्या प्रिवलेज उनको दिया जाना चाहिए उनका क्या इंटरेस्ट है ये सब के लिए एक सेफ तैयार करना ये भी स्टेट बार काउंसिल का फंक्शन है नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बार एसोसिएशन जो बार एसोसिएशन है उसके ग्रोथ के लिए प्रमोशन करना ये भी स्टेट बार काउंसिल का फंक्शन है नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट एंड सपोर्ट द लॉ रिफॉर्म्स अब जितने भी लॉ रिफॉर्म्स बनते हैं उनको प्रमोट करना उनको सपोर्ट करना ये भी स्टेट बार काउंसिल का फंक्शन है कंडक्ट से जनरल्स तो सेमिनार्स तो, आपको पता है सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस ऑल ओवर वर्ल्ड जो है डिफरेंट uh, टॉपिक्स पे होते हैं तो इसी तरह से स्टेट बार काउंसिल का भी ये फंक्शन है कि वो सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस जो है कंडक्ट कराए लीगल टॉपिक्स के ऊपर और वहां पे इमिनेंट जूरिस्ट को बुलाया जाता है वो इमिनेंट जूरिस्ट अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और साथ ही जो चीज जो टॉक्स यहाँ पे होते हैं उनको जर्नल्स में पब्लिश किया जाना ये सारे काम जो है स्टेट बार काउंसिल के हैं और ये स्टेट बार काउंसिल को करना चाहिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज लीगल एड टू दुअर इन द प्रिस्क्राइब मैनर अब अगर कोई गरीब है तो उसके लिए लीगल एड प्रोवाइड करना ये भी स्टेट बार काउंसिल का फंक्शन होता है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द बार काउंसिल बार काउंसिल के लिए फंड्स को मैनेज करना और उस फंड्स को इन्वेस्ट करना ये भी स्टेट बार काउंसिल का फंक्शन है नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है इलेक्शन फॉर इट्स मेम्बर अब बार काउंसिल के जो मेंबर हैं उनके लिए इलेक्शन कंडक्ट कराना ये भी स्टेट बार काउंसिल का फंक्शन है ताकि उनके मेंबर्स की संख्या वहां पूरी करके उसके बॉडी को तैयार किया जा सके नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है विजिट एंड इंस्पेक्ट यूनिवर्सिटीज इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन गिवेन अंडर द क्लॉज आई ऑफ सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन सेवन तो सेक्शन सेवन के सेक्शन वन के क्लास आई के तहत बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को विजिट कर सकता है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है कि वहाँ जो भी लीगल चीज़ों की पढ़ाइयाँ हो रही हैं जो लॉ की पढ़ाई वहाँ पे वो करवा रहे हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं क्या क्या उनके पास सुविधाएं हैं किस तरह की सुविधाएं उन्होंने रखा है वो क्वालिटी को कितना मेंटेन करते हैं ये सारी चीज़ें भी स्टेट बार काउंसिल की हैं और स्टेट बार काउंसिल इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है परफॉर्म ऑल अदर फंक्शंस कन्फर्म बाई इट बाई आर अंडर दिस एक्ट इस एक्ट के अंतर्गत जो और दूसरे फंक्शन है दूसरे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का भी निर्वहन करना स्टेट बार काउंसिल का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, है एक कर्तव्य है कि वो करें नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है डू ऑल अदर नेसेसरी थिंग्स फॉर डिस्चार्जिंग द एफोर्सेड फंक्शन अगर कोई दूसरे फंक्शन भी हैं इन इन फंक्शंस को जिन फंक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इन फंक्शंस को पर, करने के लिए कोई दूसरे भी फंक्शन परफॉर्म करने हो तो वो भी फंक्शन अपना स्टेट बार काउंसिल परफॉर्म करेगा नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है स्टेट बार काउंसिल मे कॉन्स्टिट्यूट वन आर मोर फंड्स फॉर द परपज ऑफ तो एक ये भी फंक्शन स्टेट बार काउंसिल का है कि वो फंड्स को मैनेजमेंट करे कि कैसे उसके पास ज्यादा से ज्यादा फंड आए और उसके लिए पर्पज क्या होना चाहिए पर, किस परपस के लिए उसको फंड चाहिए उसके बारे में यहाँ नीचे हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे तीन पॉइंट खुलकर आ गए हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोवाइड वेलफेयर स्कीम्स अगर कोई वेलफेयर स्कीम है हमारे एडवोकेट्स के लिए तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस करना दूसरा पॉइंट ये कहता है गिविंग लीगल एड आर एडवाइस अगर कोई लीगल एड है कोई एडवाइस है उसको प्रोवाइड करना इस्टेब्लिसिंग लाइब्रेरीज रिलेटेड टू ला स्टेट बार काउंसिल का ये भी फंक्शन है कि वो लाइब्रेरीज uh, प्रोवाइड करे ताकि जो लोग जिनको जानकारी और ज्यादा लेने की इच्छा है वो जाकर लाइब्रेरी में बैठे पढ़े तो ये लाइब्रेरीज का भी निर्माण कराना जो कि ला से रिलेटेड हो ये भी फंक्शन जो है स्टेट बार काउंसिल का है नेक्स्ट फंक्शन है स्टेट बार काउंसिल में रिसीव डोनेशन ग्रांट्स गिफ्ट आर बेनिफिशरीज एंड अर दे आर इसल बी क्रेडिटेड टू अप्रोप्रिएट तो बार काउंसिल का ये भी फंक्शन है कि बार काउंसिल रिसीव करे डोनेशंस को कोई ग्रांट हो कोई गिफ्ट हो कोई भी बेनिफिशरी अगर उसको बेनिफिट देना चाहता है तो उन सबको अपने अंदर इंक्लूड करे और ये सारे जो फंड्स हैं उसको अपने अकाउंट्स में क्रेडिट करें तो ये भी स्टेट बार काउंसिल का फंक्शन है दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल जिसको हम लोगों ने बहुत ही साठ वीडियो में ख़त्म किया है कि स्टेट बार काउंसिल के क्या फंक्शन होते हैं क्या कर्तव्य होते हैं वो स्टेट बार काउंसिल को करना चाहिए या करेंगे या वो करने के लिए बाध्य हैं और ये सारे फंक्शन हर एक स्टेट का स्टेट बार काउंसिल करता है तो अंत में मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने लाइक्स और कमेंट्स करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद